हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक सिंह RHA लक्स एंड RHA में आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दीपक सिंह RHA नाम से मैंने बना रखा अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं, फेसबुक हमारी दीपक लक्स है, और ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होना चाहता मैं, इसलिए मैं आपको बस एक लक्स को दिखाना चाह रहा था सर, कि लक्स आप देखें तो इस समय 13,000 के करीब लक्स है, मल्टीप्लाइड बाई 10 है, लक्स मीटर है ये आपका। तो लक्स मीटर अब तो मोबाइल ऐप में भी है, मेरे इस मोबाइल में भी है, मैंने भी उससे भी नाप के देखा, दो दो मीटर से, तो वो मान लीजिए 13,000-14,000 वो भी बता रहे हैं, और ये भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है ये भी बता रहा है, और इसी पर हम चलते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखें तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मैं हट जाऊँ, अगर सेंसर के, वो सेंसर है उसका, तो अगर मैं हट जाऊँ उस सेंसर के पास, तो ये देखिए 1 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको अब ये ज़्यादा चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं हम। तो 100 अगर कर देते हैं तो 100 में आपको जो है ये बड़े आराम से, अभी सुबह 10 बज रहे हैं, तो आप देखिए कि 148 मतलब 16,000 के आसपास लक्स आ जा रही है मॉर्निंग आवर में। और इसी को हम थोड़ा 100 कर लें तो 12-14,000 थोड़ा शेड मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की किताब पे, और बड़े आराम से देखते हैं कि हमारी जो पहले पुरानी परंपरा थी, जिसमें हम वैद्युत लंप वगैरह यूज करते थे, तो उसमें जो है हमें ल्यूमेन पर वाट, जिसे आप ल्यूमेन पर वाट कह लीजिए, तो ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर तो 1 लक्स के बराबर होता है। और फ्लक्स जो है, आप फ्लक्स ना करें, फ्लक्स तो फैलाव हो जाता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको डाल भी रखा है। और इस बुक का इस टॉपिक को इसलिए मैं ले रहा हूँ कि सर आप यहाँ क्लियर हो जाएं कि ये इंटरमीडिएट में देखिए सर, कि हम लोगों ने लक्स को पढ़ा, लेकिन इस बुक में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें प्रॉपर लक्स कितनी चाहिए और कितने में हमें रहनी चाहिए। हाँ, ये सारा निकाल के दिखाया गया है इसके अंदर, कि जो है हमारी इफ़िशेंसी बल्ब की, या 100 अगर वाट की हम जलाते हैं तो उसकी इफ़िशेंसी बहुत ही कम होती है, उतनी ल्यूमेन पर वाट नहीं आ पाती है। जितनी 100 हम देते हैं तो 100 में इफ़िशेंसी हमको ये करीब 1.5% पहले मिलती थी, और जब ट्यूबलाइट लिए तो 2.5% मिलती थी, मतलब इफ़िशियंसी हमको नहीं मिलती, LED से हमें मिल रही है, और 100 ल्यूमेन मिल रहा है, लेकिन पहले आप हमें जो है करीब 60 मतलब 70 के आसपास मिलता था, जिसे हम हिंदी में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ल्यूमेन को। तो आप इसे देखें सर, और ये इसमें मुझे बस बहुत ही, मतलब आप देखिए प्रकाशीय ऊर्जा, मतलब अगर हम बदलते हैं तो 1.5 से 2.5% ही प्रकाशीय ऊर्जा बदल पाती है, और ये बहुत बड़ा निष्कर्ष इसमें निकाल के दिया गया है फिजिक्स किताब में। तो और लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि लक्स को साफ हम जो है, अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा और देखें आप, तो लैम्डा से डिसाइड हो जाता है कि पीला रंग का जो है हमारा बहुत बढ़िया होता है, 685 करीब 650-5500 एगस्ट्राम, इसलिए पीले रंग को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, और इसका ल्यूमेन पर वाट ज़्यादा होता है। और अगर आप थोड़ा सा और इसमें देखें तो इसमें लक्स पीला रंग ये सब आपको मिलेगा, और इंटरमीडिएट किताब में, लेकिन इंटरमीडिएट किताब में सर आपको जाके ये पता चलेगा, और स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा कि आप जो है आपको कितने लक्स में रहना चाहिए, कितनी लक्स आपको चाहिए, या कितना कहीं चाहिए, कितने प्रॉपर लक्स है आँख के लिए कितना चाहिए। तो आँख को भी और शरीर को, तो मान लीजिए कपड़े से हम ढक के हाई लक्स से बचा लेते हैं, लेकिन आँख के लिए हम जो रिफ्लेक्ट भी होती हैं लाइट हमारे आँख पे, और इन सब चीज़ों पर कहीं भी इसमें पढ़ाया नहीं गया है। और इस तरह से तो पूरा इंटरमीडिएट लेवल पे लड़के धूप में अखबार पढ़ सकते हैं, मैं भी बैठ के पढ़ ही रहा हूँ और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा चमक भी है, कमरे में जाने में थोड़ा सा मतलब गर्मी नहीं लग रही है, तो जाड़ा है तो अब गर्मी, जबकि धूप रहती है, तो धूप में मेरी हिम्मत तो नहीं है मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकूँ, दिखाई तो वैसे ही देगा लेकिन गर्मी के मारे मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ये सही है गलत है, इस पर थोड़ा सा विचार करें, और आप लोग सब लोग सोचें। मैं ये वीडियो कोई अपने लिए नहीं डाल रहा हूँ, ये आपके लिए डाल रहा हूँ। और आँख आई लक्स अगर आपके पास है इसका आंसर, तो मुझे बताया सर कि मुझे सन के बारे में आज ये इंटरमीडिएट में बताया जा रहा है सर कि ये लक्स है, और ये इतना है, और LED में 100 है, और ये क्या ये 12,000-14,000-15,000 के लक्स में हम बच्चों को धूप में पढ़ा रहे हैं,
और कहीं कमरे में ले जा रहे हैं तो 0 लक्स में या 25 लक्स में, 50 लक्स में, 100 लक्स में पढ़ा रहे हैं, क्या सही है? हाई लक्स लो लक्स में पढ़ना पढ़ाना सही है? बस यही इसी चीज़ के आंसर मैं खोज रहा हूँ सर। और पशुओं के लिए भी मैंने एनिमल काउ डाला है, लक्स आप वीडियो देखें उसमें, हिस्ट्री ऑफ लाइफ भी डाला हूँ। तो विटामिन डी थ्री तो ठीक है, वो मॉर्निंग में है 6 बजे से पहले, सन का ग्राफ आपको यहाँ पर वेव लेंथ के हिसाब से दिखाई दे रहा है, आप देखिए सर। और मैं नहीं चाहता कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब से मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है बढ़ने घटने से, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे हूँ, लक्स भी टॉपिक मेरा है, आरएचए भी टॉपिक है। आप लक्स एंड आरएचए करके गूगल में डाल लीजिए, आपको मिलेगा मेरा टॉपिक। और इस पे आप, मैं चाहूँगा कि सब लोग इस पर थोड़ा सा बढ़ाएं, देखिए ये 45, 46, 47, 52, 55 बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सन बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। और ये हाई लक्स 10 से 4 तो निश्चित रहेगा और 1 लाख तक जाता है। तो दीपक में भी लगभग उतना ही लक्स है, इसलिए मैंने दीपक लक्स नाम रखा है। दीपक नाम जो है ये लक्स नाम बराबर है, और 10.8 लक्स अगर मोमबत्ती में है तो 10.8 लक्स सर दीपक में भी है। मुझे अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं करना है। दूसरा, ये आरएचए जो हम है हमारा, ये अभी गाजीपुर जनपद के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, और ये 9-10 साल से बनी हुई है। ये टॉपिक जनहित का है, इसे अगर आप उठा सकते हैं तो उठाइए, वरना मेरा जो धर्म है मैं अपना कर रहा हूँ। मेनी थैंक्स दीपक सिंह आरएचए वीडियो को देखने के लिए आपका। और आप अगर सर कुछ कमेंट में मुझे दे सकते हैं रॉन्ग राइट तो आप जरूर दें सर, अगर मैं गलत हूँ तो गलत बताएं कि नहीं हम 12,000-13,000 लक्स में पढ़ें और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, या फिर आरएचए में जाके आरएचए सूंघें और अपना उससे हम फ़ायदा लें, नौकरी ले लें 1,000 आदमी की, या यही अगर है तो बताएं। वो फैक्ट्री को तो प्रदूषण से मिला हुआ है 35%, 100%, ये तो उनका प्रदूषण है, लेकिन उसमें जो आरएचए उड़ रही है वो 1,000 आदमियों के लिए, मान लीजिए नौकरी है, तो ये 10,000 आदमियों के लिए क्या है? इसको थोड़ा सा इस पर विचार करें सर। आरएचए भी हमारे जनपद की प्रॉब्लम है और आपका लक्स भी प्रॉब्लम है सर, ये लाइट पोल्यूशन, इससे पहले हमने डाला है इस टॉपिक वीडियो को भी, थोड़ा आप उसे भी देख लें, सुन लें और थोड़ा समझने की कोशिश करें सर। हम लोग से बहुत लंबे समय से भूल होती आ रही है, ये इंटरमीडिएट की किताब जो है ये पुरानी ही है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, इसमें कहीं हम लोगों को नहीं बताया गया कि हमारे लिए प्रॉपर लक्स कितनी होनी चाहिए। मेनी थैंक्स दीपक सिंह आरएचए।